much. Hello everyone. Good morning all of you. 7th Hindi medium. आपका पार्ट 4 चल रहा है बेटा, जिसमें कि पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर आप कर रहे हैं. नाम है आप पार्ट 4 का ऊष्मा. 7th क्लास आपको जो है एक एक करके एक्सरसाइज में कंप्लीट करा रही हूँ. पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेसन पे चलेंगे. तो देखते हैं, पार्ट 4 में आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने दे भी दिए हैं और आपके कुछ बाकी हैं. तो देखते हैं कि आपके कितने प्रश्न हो गए हैं. देन आपके 3 प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं. अब चलेगा प्रश्न 4. प्रश्न 4 इसके अंदर है कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी में दिए गए शब्दों से मिलान कीजिए. ठीक है. अब इसमें आपका है कॉलम ए और इधर आपका है कॉलम बी. कॉलम ए में है आपका का थल समीर के बहने का समय. दूसरा खा में है समुद्र समीर के बहने का समय. फिर गा है आपका गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय. फिर है घा हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय. तो थल समीर के बहने का समय, और इसमें पहला है आपका गर्मियाँ, दूसरा है आपका सर्दियाँ, तीसरा है आपका दिन, और चौथा है आपका रात. तो आप कैसे इसमें जवाब देंगे, किस तरीके से आपको इसमें जवाब देना है, तो देखिए. कॉलम ए, प्रश्न 4 आपका, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी में दिए गए शब्दों से मिलान करना है. तो आपका कॉलम ए में 4 कौन कौन से दिए गए हैं, देखिए. कथन पहला, थल समीर के बहने का समय. दूसरा, समुद्र समीर के बहने का समय. तीसरा, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय.
और चौथा कथन है हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय। अब कॉलम बी में दिए गए शब्दों से करना है। पहला शब्द है गर्मियाँ, दूसरा शब्द है सर्दियाँ, तीसरा शब्द है दिन और चौथा शब्द है रात। तो आपका थल समीर के बहने का समय आपका क्या है? रात। तो आप मिलान करेंगे का से चौथे। समुद्र समीर के बहने का समय तो आप करेंगे दिन, ये दिन का है। और गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय तो ये आपका है सर्दियाँ, सर्दियाँ। और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय है गर्मी, तो ये आप इसमें गर्मियों से मिला करेंगे। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कैसे मिलान करना है। थल समीर के बहने का समय तो आप इसमें लगाएंगे रात, थल समीर के बहने का समय रात होता है। समुद्र समीर के बहने का समय होता है दिन। और गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय होता है सर्दियाँ। और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय होता है गर्मियाँ। तो इस तरीके से आपका चारों कंप्लीट हुआ। एंड नेक्स्ट बेटा आपका देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है आपका नेक्स्ट सर्दियों के बारे में। तो देखते हैं प्रश्न पांच। तो प्रश्न पांच आप देखिए क्या है। प्रश्न पांच में आपका गहरे, इसमें प्रश्न पांच में आपका चलेगा सर्दियों में। प्रश्न पांच सर्दियों में एक मोटा, इसमें बात कर रहे हैं सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनना, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र, एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में, पहनने की तुलना में, तुलना में उसकी मोटाई का, उसकी मोटाई का कई परतों में, उसकी मोटाई का, उसकी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र, कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता, अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, क्यों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको उत्तर देना है उत्तर पांच। आपका प्रश्न है कि सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसकी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है क्यों। तो आप उत्तर देंगे,
कपड़ों की परतों में कपड़ों की परतों के बीच हवा फंस जाती है। कपड़ों के परतों के बीच हवा फंस जाती है। हवा फंस जाती है। वायु ऊष्मा वृद्धि का कार्य करता है। वायु ऊष्मा वृद्धि का कार्य करती है। यह परत हमारे शरीर की गर्मी को हमारे शरीर की गर्मी को आसपास के वातावरण में जाने से रोकती है। ठीक है। पतले कपड़ों की अधिक परतें पतले अधिक हवा को फंसने देंगे, परिणाम स्वरूप वातावरण में जाने की संभावना कम होगी। तो जो पतले कपड़े होंगे ना, पतले कपड़े की अधिक परतें अब इसमें आगे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरी व्याख्या समझानी है तो इसमें आगे लिखना पड़ेगा। आप देख लीजिए एक बार क्या क्या लिखा आपने, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है। क्यों? उसकी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र तो आप प्रदान करता है, क्यों? व्याख्या करिए। तो कपड़ों की परतों के बीच हवा फंस जाती है, वायु ऊष्मा रोधी का कार्य करता है, और यह परत हमारे शरीर की गर्मी को आसपास के वातावरण में जाने से रोकती है। पतले कपड़ों की अधिक परतें जो होती हैं वो क्या करती हैं, इसमें आगे लिखेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पतले कपड़ों की अधिक परतें अधिक हवा को फंसने देंगी। और परिणाम स्वरूप शरीर की गर्मी वातावरण में जाने की संभावना कम है।
आपने देखा यही कारण है कि पतले कपड़ों की अधिक परतें यानी आपकी आगे जो है जा सकती हैं। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि किस तरीके से आपने पतले कपड़ों की जो परतें हैं वो ज़्यादा देखते हैं। तो ये आपने देखा बच्चों किस तरीके से हम प्रश्नों के उत्तर इसमें दे सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोटे जो कपड़े हैं यानी वो आपके मोटाई वाले कपड़े ज़्यादा गर्मी देंगे या कई परतों में आपका पतला कपड़ा लपेट दिया जाए तो वो ज़्यादा गर्मी प्रदान करेंगे, तो आपका जवाब होगा पतले कपड़े की परतें, क्योंकि पतले कपड़ों की परतों में जो वायु है वो फंसी रह जाएगी और वायु ऊष्मा रोधी का काम करती है, ऊष्मा को जाने से बाहर रोकती है, तो हमारे शरीर की गर्मी हमारे शरीर में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो जब वो बनी रहेगी तो उष्णता प्रदान करती रहेगी, आपके शरीर में आपको ठंडक नहीं लगेगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पतले कपड़ों की अधिक परतें मोटाई जो मोटे कपड़े की आपका मोटा कपड़ा है उसकी तुलना में वो ज़्यादा उष्णता प्रदान करेगी। तो इस तरीके से आपके पाठ चार के प्रश्न उत्तर अभी चल रहे हैं, अभी और भी हैं जो आपके नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, क्योंकि इसे समझना भी है, चाहे 2-3 प्रश्न करें पर हर दिन इसको समझ के करें, याद करें, इस तरह से याद होता जाएगा, समझता जाएगा, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, बाय।